मातरम। दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर बड़ी छोटी खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, लेकिन आज हम कुछ और बताने जा रहे हैं आपको। समाज और देश के प्रति वफादार, निष्ठावान पत्रकार और समाज सेवियों के लिए जीएनएन गौरव अवार्ड के नाम से एक सम्मान समारोह रखता आया है पिछले 2 सालों से। जो समाज में उल्लेखनीय कार्य करते हैं पत्रकार और जो समाज के हित में काम करते हैं समाज सेवी, उनको मंच पर बड़ी हस्तियों से सम्मानित कराने का कार्य करता आ रहा है जीएनएन न्यूज। जीएनएन न्यूज का एजेंडा है कि जो लोग समाज के प्रति वफादारी से काम करते हैं और लोग उनको नहीं जान पाते, उन्हें उन मंच पर लाएं और उन बड़ी हस्तियों से उनको सम्मानित कराएं। ऐसे ही कार्य 15 जनवरी 2016 में साउथ वेस्ट जोन गोयला गांव में जीएनएन गौरव अवार्ड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे देश से 200 से 250 पत्रकार और समाज सेवी जुड़े, जहां पर साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी विराजमान हुए और उन्होंने सभी पत्रकार और समाज सेवियों को सम्मानित किया। 16 जनवरी 2017 मुक्तधारा सभागार गोल मार्केट में कार्यक्रम आयोजित किया गया, सेकंड जीएनएन गौरव अवार्ड, जहां पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी, करण सिंह तंवर वाइस चेयरमैन एनडीएमसी, पूर्व आईजी पंजाब पुलिस सुरेश कुमार और मिस टियारा ब्रांड एम्बेसडर ने शिरकत की और 500 पत्रकार व समाज सेवी जुटे, जिनको सम्मानित किया गया। ऐसा ही कार्य 25 जून 2018 साउथ वेस्ट जोन द्वारका सेक्टर 10 वंदना इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। सभी उल्लेखनीय कार्य करने वाले पत्रकारों और समाज सेवियों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और जीएनएन न्यूज की सोच है कि पत्रकार और समाज सेवी सभी एकता के साथ रहें और एक दूसरे को समझें, क्योंकि आप हैं तो जीएनएन न्यूज है, अगर आप नहीं तो जीएनएन न्यूज। तो समारोह का मतलब यह होता है कि हम सभी एक साथ रहें, एक मंच पर रहें, ताकि इस देश का मिलजुल कर कुछ और अच्छा काम कर सकें और ये भारत को अखंड भारत बनाने में सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों, याद रहे 25 जून 2018 वंदना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 10 द्वारका, ठीक 3 बजे आपको उपस्थिति देनी है, क्योंकि सर्व समाज के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होता है, इस पर खासा ध्यान दिया जाए और बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लें। जय हिंद।